हमारी मौजूदगी जो है शकरी रैक पॉइंट पे है और यहाँ बालू और गिट्टी बहुत ही सस्ता रेट में आपको मिल जाएगा। तो हम आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं नूर ट्रेडर्स आपको नज़र आ रहा होगा। सबसे पहले तो अपना परिचय दे दें। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जो आप लोग यहाँ पे आए। मेरा नाम नूरैन हैदर हुआ, जो नूर ट्रेडर्स का मैं प्रोप्राइटर हूँ। अच्छा, ये किस जगह पे है नूर ट्रेडर्स? ये नूर ट्रेडर्स ये लोकेट है, आपको लोकेशन है इसका सकरी रैक पॉइंट पे। अच्छा, कितने सालों से चला रहे हैं आप? ये पहले तो पापा थे यहाँ पे, 6 सालों से ये चल रहा है, बट नूर ट्रेडर रजिस्ट्रेशन हुआ आपको 4 साल पहले। अच्छा, और हम इस फील्ड में 4 साल से हैं, 4 साल से इस चीज़ को हम देख रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कहाँ कहाँ के कस्टमर आपसे ख़ास करके सामान लेने के लिए आते हैं? जी यहाँ मधुबनी डिस्ट्रिक्ट और दरभंगा डिस्ट्रिक्ट दोनों डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, और आपको इधर से हो गया खुटौना, लोखा, फुलपरास, भपटियाही, नेपाल बॉर्डर, वहाँ तक के कस्टमर यहाँ आते हैं हमारे पास। अच्छा, बहुत ज़्यादा गिट्टी का बिल्कुल पहाड़ बना हुआ है, तो यहाँ क्या कितना सस्ता रेट में लोगों को गिट्टी और बालू मिल जाता है? कस्टमर आते हैं, कस्टमर का जो डिमांड होता है, जिस तरह का गिट्टी का भी क्वालिटी होता है, कुछ गिट्टी ऐसे होते हैं जो 4 रुपये सस्ता भी होता है, कुछ गिट्टी ऐसा भी होता है जो अच्छे क्वालिटी का गिट्टी होता है। कस्टमर के डिमांड पे है, जैसा वो गिट्टी चाहे वैसा गिट्टी उनको मिलता है और अच्छे सस्ते रेट में मिलता है उनको। सस्ते रेट में मिल जाएगा? जी बिल्कुल। यानी कि और जगह से लेंगे तो उससे बहुत ज़्यादा सस्ते रेट में मिलेगा? हाँ, रैक पॉइंट पर आएंगे तो और भी लोग हैं, आप रैक पॉइंट पर आपको सस्ता में गिट्टी मिलेगा आपको। अच्छा, अच्छा ये बताइए, चाहे मकान बनाना हो या किसी को हॉस्पिटल बनाना हो तो उनको क्या रेट में मिलेगा? रैक पॉइंट पे रेट जो है सबके लिए सेम ही रहता है, बस वही है कि कस्टमर का डिमांड कैसा, किस तरह गिट्टी वो डिमांड करते हैं उस पर डिपेंड होता है। अच्छा, गिट्टी की क्वालिटी की बात की जाए तो गिट्टी का क्वालिटी कैसा होता है? गिट्टी का क्वालिटी डिपेंड करता है गिट्टी आ कहाँ से रहा है, झारखंड से भी अलग अलग पॉइंट से आता है। अच्छा, उस पर बरहड़वा का गिट्टी अच्छा होता है, पाकुड़ के नाम पर लोग गिट्टी देते हैं, लेकिन पाकुड़ जैसा पहले जैसा गिट्टी नहीं रहा। अच्छा, जी। अच्छा, कितने मजदूर आपके अंडर में काम करते हैं लगभग? यहाँ रैक पॉइंट जो खाली करते हैं, यहाँ मेरे अंडर में करीब 250 लेबर हैं जो रैक। 250? जी 250 लेबर काम करते हैं मेरे यहाँ। अच्छा, और जब भी रैक आता है तो उन लोगों का काम होता है रैक खाली करना, और मेरा काम है कि यहाँ रैक खाली करवाना। क्वांटिटी की क्या गारंटी है? क्वांटिटी आपको यहाँ परफेक्ट मिलेगा, अगर आपको नॉलेज हो तो आप अपना मेजरमेंट कर लें, और अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आपके जो मिस्त्री वगैरह जो आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में हेल्प करते हैं या बनाते हैं, आप उनसे मेज़रमेंट करवा सकते हैं। अच्छा, कितनी गाड़ी यहाँ पर लगी रहती है हमेशा यहाँ पर? ये मेरी गाड़ी जो न्यू ट्रेडर्स कंपनी का जो रजिस्टर्ड गाड़ी है, वो टोटल नंबर ऑफ 10 गाड़ी है। 10 गाड़ी? जी 10 गाड़ी है मेरे पास, जिसमें 2 हाइवा हो गया, 2 टीपर हो गया, 3 ट्रैक्टर है, JCB है, लोडर है, जो भी आपके सामने ही है सब कुछ। अच्छा, रेट की बात की जाए डिपो के मुकाबले और रैक पॉइंट के मुकाबले में दोनों का अंतर क्या है? देखिए, जो भी लोकल में जो भी डिपो वगैरह होता है, जो भी हो, चाहे वो दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में हो या मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में हो, वो सारे डिपो वाले सकरी रैक पॉइंट से ही ले जाते हैं। अब जिनका जिनसे अपना जमता है, वो अपना उस कस्टमर से, उस रैकर से अपना जुड़ जाते हैं, वहाँ से गिट्टी और बालू अपना ले जाते हैं वो लोग। यहीं से ले जाते हैं? जी रैक पॉइंट से ही ले जाते हैं वो लोग, फिर वहाँ वो अपना सेल करते हैं। अच्छा, बालू कैसे CFT है और गिट्टी कैसे CFT? देखिए, बालू भी क्वालिटी अलग अलग होता है, अभी रैक पे अवेलेबल जो बालू है वो 70 रुपये CFT वाला भी है, 76 रुपये CFT वाला भी है, 82 रुपये CFT वाला भी है। तो वही आपको बताया ना मैंने ना कि कस्टमर का डिमांड कैसा है, वो किस तरह क्वालिटी चाहते हैं। रेट बदलता रहता है या सेम ही रेट रहता है? नहीं, रेट वेरी करता रहता है टाइम टू टाइम, जैसा वो सीज़न आता है सीज़न पे वो वेरी करता रहता है। अभी इस टाइम रेट थोड़ा घट जाता है गिट्टी का भी, जब सीज़न आपको आएगा पिक टाइम रहेगा तो वो फिर रेट वगैरह हाई हो जाता है वो उस टाइम। अच्छा, आप लोग कहाँ से माल मंगवाते हैं? माल आता है आपको झारखंड से, मैक्सिमम माल झारखंड से आता है जो रैक आता है, और कुछ रैक जो है वो बंगाल से आता है। तो क्या कहना चाहेंगे ख़ास करके दरभंगा मधुबनी के, ख़ास करके जो लोग हैं, ख़ास करके उनको ज़रूरत वाली चीज़ है गिट्टी हो या बालू हो, तो उनको मेरे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? कहना यही चाहेंगे कि आप लोग आइए और मुलाकात कीजिए, जो भी रिक्वायरमेंट है आपका इंशाल्लाह उसको पूरा करेंगे और अच्छे रेट में देंगे। क्वालिटी एंड क्वांटिटी कम्स फर्स्ट, ये मेरे न्यू ट्रेडर्स का लोगो है और पंचिंग लाइन भी है मेरे न्यू ट्रेडर्स का, ये कि क्वालिटी एंड क्वांटिटी कम्स फर्स्ट। या नीचे दिए हुए नंबर पे? जी हाँ, वो मेरा नंबर रहेगा 7277122674, आप चाहें तो इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं आप हमसे।